The reason behind my energy and my happiness is today we have completed. Hi guys, welcome back to my channel. I am back with another vlog and I hope all of you guys are doing extremely well. ऐसी एनर्जी उभर रही है बॉडी से कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को और बहुत दिनों बाद मैं यहाँ पे आई हूँ ब्लॉग करने. सो द रीजन बिहाइंड माई एनर्जी एंड माई हैप्पीनेस इज टूडे वी हैव कम्प्लीटेड 1000 वॉच आर ऑन आर यूट्यूब चैनल. तो जैसे ही मुझे अचीवमेंट वो मैंने देखा, मैंने फटक से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया. टू थैंक यू गाइज, सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट अ वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ यू गाइज. द वे यू गाइज लव मी is something different and I love you guys so much. So a very big thank you to all of you. और जैसे ही वो अचीवमेंट मैंने देखी, मुझे सब कुछ ऐसे फ्लैश बैक में याद आया कि कहाँ से मैंने शुरुआत की थी. मैंने सोचा था कि मेरे से हो पाएगा या नहीं, एंड टूडे आई एम अचीविंग स्मॉल स्मॉल गोल्स विच आई हैड सेट फॉर यूट्यूब. सो अ वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज. ये आपके बिना पॉसिबल नहीं हो पाता. यू गाइज मोटिवेट मी अ लॉट फॉर मेकिंग वीडियोज एंड माई फेवरेट थिंग ब्लॉग्स. सो थैंक यू सो मच गाइज. तो फिलहाल अभी मैं आई थी यहाँ पे क्योंकि इट्स ऑलरेडी 3:34 और मैंने एज़ यूजुअल बहुत लेट ब्लॉग स्टार्ट किया है. सो द रीज़न वाई आई केम हियर इज़ अभी मैं जिम जाने वाली थी, बट उसके पहले तो मम्मी ने मुझे काम दिया है कि पौधों को पानी देना. पौधों को पानी देना. और मैं सच कहूँ तो ना, मुझे इतना खास पसंद नहीं है ये काम, पर मम्मी मुझे बोलती है एक तो तुझे 3-4 काम दिए जाते हैं, उसमें से भी आधे तू करती नहीं है कुछ ना कुछ रीज़न बना के. तो इसीलिए आज जैसे मुझे याद आया मैं ऊपर आ गई पौधों को पानी देने. और एक यहाँ पे एकदम ज़्यादा ब्यूटीफुल और मेरे फेवरेट प्लांट है, उसके कारण मैं आती हूँ यहाँ पानी देने के लिए. तो मैं आपको दिखाती हूँ वो प्लांट कौन सा है. तो ये रहा मेरा सबसे फेवरेट प्लांट और ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती बिकॉज ऑफ इट्स क्यूटनेस. इसे छोटे छोटे फ्लावर्स भी आए हैं और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं. तो इसके कारण मैं आती हूँ जब भी आती हूँ पानी देने के लिए. तो पहले हम पौधों को पानी दे देते हैं. और ये बाकी के फ्लावर्स है, ये जास्मिन का फ्लावर है, ये मोगरा का फ्लावर है और ये तो हमारा नॉर्मल कड़ी पत्ता, और ये लिली का फ्लावर है जो मैं पानी नहीं देती इसके वजह से वो सूख गया है बेचारा, और ये तुलसी का फ्लावर है. तो चलिए फिर डायरेक्ट जिम में मिलते हैं. और आज मेरे जिम में लेग डे है, इसके कारण इतना ज़्यादा मुझे डर लग रहा है कि लेग डे का खौफ ही कुछ अलग होता है. और सबको वो पता है कि कितना ज़्यादा पेन होता है, पर कोई नहीं, अब डायरेक्ट जिम में मिलते हैं. तो जिम में तगड़ा वाला लेग वर्कआउट के बाद लेग्स इतना ज़्यादा पेन कर रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती. तो फ्रेश होने के बाद मैंने डायरेक्ट आपसे मैं मिल रही हूँ. तो अभी मुझे जाना है ये हेयर का थोड़ा टचअप करने के लिए, और मम्मी के साथ थोड़ा बाहर जाना है. और मम्मी अभी वहाँ पहुँचती होगी और मुझे भी निकलना है. तो फटक से मैं अभी निकल रही हूँ क्योंकि अगर उसको वेट कराया ना तो बहुत बड़ा लेक्चर पड़ने वाला है इसीलिए. ज़्यादा अद्भुत चीज़ हुई है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती. आज फर्स्ट टाइम एवर मैं गूगल मैप का फॉलो करके गलत नहीं हुई हूँ. मैं
ऑन लोकेशन पर पहुँची हूँ, मतलब हर वक्त ही आती हूँ, पर मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है. बट आज मैं ऑन टाइम और ऑन लोकेशन पहुँची हूँ एकदम करेक्ट तरीके से. सो वो बहुत अच्छी बात हुई है और मुझे कोई तो अवार्ड दे दो ऐसे मुझे लग रहा है. एंड एज़ यूजल मैं जब भी किसी के साथ जाती हूँ बाहर तो मैं फ़र्स्ट पहुँचती हूँ और मुझे रुकना पड़ता है. और अगर यही मैं मेरे मम्मी के साथ करती ना बहुत ज़्यादा मुझे डायलॉग्स मिलते. बट कोई नहीं, आज वो लेट हुई है. तो अभी बालों का टचअप करके हो गया है और थोड़ा सा फूड ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं है. और मम्मी है मेरे साथ, ये रही, क्योंकि ये अभी वीडियो में आई है. ये इसका लास्ट वीडियो उसका बर्थडे का वीडियो था, उसके बाद ये वीडियो में नहीं आई, तो आज आई है. तो हम आए थे बिग बाजार और इतना कुछ खास पसंद नहीं आया. तो आप लोग सोचते होंगे कि जब भी मैं कहीं पे जाती हूँ मुझे कुछ पसंद नहीं आता, तो मैं बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ कपड़ों के मामले में. तो मुझे आज भी इतना कुछ पसंद नहीं आया. तो माटुंगा स्टेशन देखने के बाद कॉलेज की इतनी ज़्यादा याद आ रही है, और मम्मी भी सेम कॉलेज से तो उसे भी उसकी कॉलेज लाइफ याद आ रही है. तो जब भी ये स्टेशन देखती हूँ ना सब कुछ कॉलेज की याद है, सब फ्लैशबैक में जा रहा है. तब मैं गालियाँ देती थी कॉलेज को, बट आज बहुत ज़्यादा मिस कर रही. तो यहाँ से हम लोग लेट होने पर इतना ज़्यादा भागते थे मैं और मेरी फ्रेंड, ये सब देखने के बाद इतना ज़्यादा याद आ रही है कॉलेज की मैं बता नहीं सकती. हम इसी सीढ़ी से दौड़ दौड़ के जाते थे और यहाँ पे इस पॉइंट पे बहुत बार टीसी ने भी पकड़ा है. हाँ, और मैं वहाँ पे वीडियो एंड करना भूल गई, सो सॉरी फॉर दैट. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज. आई होप यू गाइज एंजॉय वॉचिंग माई वीडियो. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी देयर. एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन. सॉरी फॉर मेकिंग दिस वीडियो शॉर्ट, क्योंकि इसमें जो शॉपिंग वाला पार्ट कैंसिल हो गया उसकी वजह से मेन पार्ट ऑफ वीडियो भी थोड़ा छोटा हो गया. सो सॉरी फॉर दैट एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन. बाय गाइज.